उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र में लोगों ने कांग्रेस के विवेक कटारा को अपनी परेशानियों से अवगत करवाया। दरअसल जानकारी के अनुसार पूरा मामला एक निजी संपत्ति पर लगे टावर से जुड़ा है और ये 2014 से चला आ रहा है, जिस पर क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस टावर पर लोड बहुत ज़्यादा है और इससे निकलने वाले रेडियंस से करीब में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, जिसके बारे में जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है। कुछ दिन पूर्व 5G टावर को लेकर खुदाई को क्षेत्रवासियों ने रुकवाया, जिस पर संबंधित थाने में टावर लगाने वाली कंपनी ने शिकायत भी दी है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर उन्होंने जनप्रतिनिधि विवेक कटारा को बुलाया और उनके समक्ष सारी बातें रखी और विवेक कटारा ने आश्वासन दिया कि इस पर जिम्मेदारों से बात कर समस्या का समाधान करेंगे। वहीं जनता क्लिनिक में डॉक्टर की उपस्थिति पर सवाल हुआ तो विवेक कटारा ने कॉल करते हुए जनता क्लिनिक के डॉक्टर पर एक्शन लिया। आइए सुनते हैं। वो इंसान नहीं देख रहा कि कितना ज्यादा खत्म हो रहा है और इसका खुद का ब्लड खत्म हो गया था। अभी खुद ब्लड रेजिडेंशियल एरिया में ये कहाँ चलेगा उसका? ये कभी जब भी जाते जब मैडम होती नहीं। अरे वो तो करेंगे बीपी लपटी करती नहीं। अरे वो सब ना मेघना मेघना दो मिनट अभी के देते डॉक्टर साहब। शंकर जी, एक तो ये वो सविना का जो जनता क्लिनिक है ना, उसमें ये मैं आया हूँ यहाँ पे एरिया में, इसकी डॉक्टर की बहुत शिकायत ये अवेलेबल ही नहीं रहती है। वो डॉक्टर मेघना कौन है? मेघना अभी छुट्टी पे गई है दो तीन चार दिन, पर ये हफ्ते में दो दिन ही रहते हैं, बाकी रहते ही नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है यार क्षेत्र वासियों का। तो निकल लेना भाई साहब, हाँ क्या अपन को जो सर्विस थे उसको लगाना यहाँ पे है ना? जी 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 है ना, ठीक है आप देखना। जी जी बिल्कुल। क्या समस्या है और विवेक जी कटारा को आपने क्यों बुलवाया है आज? समस्या बहुत सारी है। एक तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो मैडम नहीं होती है, नहीं तो बीपी नपी जाती है और नहीं हमारी बीपी चेक ये शुगर चेक होती है। प्लस हमारे महल्ले की गंदगी जो है वो पिछले एक महीने से सफाई अभियान नहीं आता है, वो कभी आता है तो नाली में सरका के चला जाता है, नाली की सफाई नहीं होती है। जो बरसों पुराना हेडपम्प है वो बंद पड़ा, वहाँ पनगट लगा दे, पनगट बना दे, वो पूरी गली में है, सारी नालियाँ फूल हो रही है, कभी कोई आता ही नहीं सफाई के लिए। विवेक जी को अपने टावर के लिए बुलाया और विवेक जी को इस टावर के लिए बुलाया, इसलिए यहाँ सब लोगों को परेशानी होती है ताकि उसको हटा दिया जाए यहाँ से। मेरा नाम समीम है और हमारे मोहल्ले में अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा था, वो पूरा नहीं बना है, आधा अधूरा बना कर हम मोहल्ले वाले उससे परेशान है, उसमें आवारा पशु फिर रहे हैं और उसको सामुदायिक भवन में तब्दील करके और हमें फायदा उठाने का मौका दे। जी क्या किस लिए बुलवाया गया, आज इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? ये सब इकट्ठा हो रहे हैं टावर के लिए, बहुत परेशान हो जाएगी, बच्चा बच्ची को बीमारी हो जाएगी, बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, फिर कोई सुन नहीं रहा। आज विवेक जी को बुला के और हमने अनुरोध कहा उनसे कि ये यहाँ से हटाया जाए और जो भी समस्या है, वैसे हमारे ओम जी पार्षद बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम हो रहा, नालियों से लेके सफाई से लेके कुछ भी काम हो, एक फोन करते वो यहाँ आ जाते, हमें पार्षद की तरफ से कोई शिकायत नहीं। हम कांग्रेस कार्यकर्ता है और जिंदगी भर उन्हीं को वोट देंगे और देते आए हाथ के ऊपर वोट उनको और देते रहेंगे। सरफराज खान जी, आज जो ये इकट्ठा हुए हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह रही है आज जो इकट्ठा हुआ है, जो हमारी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए? टावर के बारे के अंदर टावर हटवाना, हमारा रेडिएशन फैल रहा, सब लोग बीमार हो रहा, उसके अंदर मैं भी हूँ बीमार। किस तरह की प्रॉब्लम इससे टावर से हो रही है आप लोगों को? सही है, जी घबराता है और खून सूखता है अंदर, खून की कमी होती है, सांस में तकलीफ है, मेरे घर के सामने दो और मैं खुद बीमार हूँ, अभी भर्ती रह के आया हूँ 10 दिन। घर के सामने दो अटैक से तो आपने ये इसलिए बुलाया है कि ये टावर को हटाया जाए, मेन प्रॉब्लम आज की ये थी? मेन प्रॉब्लम ये टावर को हटाना। आपका नाम बता दें और क्या मामला है पूरा बता दें। मेरा नाम मोहम्मद सरुद्दीन उर्फ यूसुफ और हमारी कार्रवाई जो है 2014 से चल रही है और इसके अंदर एक निर्णय पारित हुआ तहसीलदार न्यायालय तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से, जिसके अंदर ये ऑर्डर हमें प्राप्त हुए और इसके अंदर 7 दिवस के अंदर इस टावर को हटाने के ऑर्डर पास हुए 2014 के अंदर।
लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए ये ऑर्डर, और उसके बाद हम काफ़ी प्रयासरत रहे कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर दे यूआईटी, लेकिन बार बार कोशिश करते रहे, यूआईटी में भी गए, सतर्कता में भी गए, लेकिन किसी भी ऑफिसर ने या हमारी सुनी नहीं अभी तक। अभी यहाँ पर जो है कम से कम 4-5, 2-3 आदमी तो हार्ट अटैक से चले गए यहाँ पर इस मोहल्ले के अंदर, 2-3 आदमी कैंसर से चले गए, और सांस की बीमारियां यहाँ फैल रही है, खांसी की बीमारियां फैल रही है, लोगों का मतलब सुकून और चैन उड़ा हुआ है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये टावर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, इसकी रेडिएशन की वजह से? सर इसका रेडिएशन इतना खतरनाक है और इस पर इतना लोड है, 3-4 कंपनियों का लोड है इस पर। इंडस टावर ने जो है इसको लगाया है, इंडस प्राइवेट लिमिटेड ने इसको लगाया है, इसके ऊपर जियो का है लोड, इसके ऊपर जो है एयरटेल का लोड है, इस पर आइडिया वोडाफोन का लोड है। आप इसको देखें कितना मतलब लोड है। तो ये निजी संपत्ति है या कमर्शियल संपत्ति? ये जो है एक आवासीय प्लॉट पे लगा रखा है जिसका कमर्शियल यूज हो रहा है, और नज़ीर मोहम्मद ने इसको किराए पे दे रखा है। उसका आवासीय प्लॉट यूआईटी से आवंटित है, आवासीय। आवासीय में आजू बाजू कितने घर वगैरह होंगे? मतलब कम से कम यहाँ पे 300 घर आसपास हैं जिसका ये इस रेडियस से प्रभावित है लोग, लेकिन अधिकारी इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी हालत में। कौन कौन से अधिकारी को आपने अवगत कराया? हमने यूआईटी चेयरमैन को अवगत कराया, हमने एसपी साहब को अवगत कराया, हमने कलेक्टर साहब को सतर्कता में रिपोर्ट दी इसकी, हमने यूआईटी सेक्रेटरी साहब को इसकी रिपोर्ट दी है, हमारे पास सारे पेपर्स हैं, यूआईटी से फैसले निर्णय हमारे पास 2014 का। उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद से 8 साल से कोई कार्रवाई नहीं। हम प्रयासरत हैं बरोबर इसके अंदर, अब अपग्रेड किए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिसर हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। और 5G की लाइन जब यहाँ पे लोग लगाने आए अभी इंडस टावर के कर्मचारी, तो हमने उसका विरोध किया, लेकिन उन लोगों ने हमारे खिलाफ एक रिपोर्ट दायर कर दी थाने के अंदर कि साहब हमें मतलब जो है ये रोक रहे हैं हमारे काम को। और नज़ीर मोहम्मद के प्लॉट पे प्लॉट नंबर 101 पे लगा हुआ टावर, अब इसके अंदर हमारे पास नोटिस है, फैसला है, निर्णय 2014 के अंदर निर्णय आ गया, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की यूआईटी ने। हमने बार बार यूआईटी को सचेत किया, कमर्शियल काम शुरू किया, क्यों इल्लीगल है? ऑर्डर होने के बावजूद इसको बंद नहीं हुई इसकी। यहाँ सेक्टर 12 के लोगों ने मुझे यहाँ के हमारे क्षेत्रीय पार्षद भगवती डांगी जी के माध्यम से यहाँ के लोकल जो बाशिंदे हैं उन्होंने बुलाया, समस्या बताई है, खास तौर से इंडस कंपनी के का यहाँ पे एक निजी किसी व्यक्ति के मोबाइल टावर लगा हुआ है, जिससे आसपास के जो घर हैं और जो कॉलोनी वासी खासे परेशान हैं। यहाँ के बहुत हार्मफुल, जो इनका कहना है कि यहाँ बहुत हार्मफुल रेडिएशन निकल रही है, जिसकी वजह से बहुत लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारी डेथ भी हो गई 5-6 यहाँ पे, और लोग बहुत लोग यहाँ तबीयत ख़राब हो रही है। इन्होंने पहले यूआईटी में भी कंप्लेंट लिखी है, अन्य विभागों में भी लिखी है, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मेरे को उसी चीज़ को लेकर बुलाया कि ये अतिशीघ्र ये टावर यहाँ से हटाया जाए, तो मैं इनकी समस्या सुनने आया हूँ, और निश्चित तौर से मैं आज ही जाके यूआईटी के अधिकारी से बात करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि इनकी समस्याओं का निस्तारण होगा, क्योंकि बहुत परेशान है लोग, और लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब है। इसलिए एक सर्विसेज अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ है, हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगी तो हमारा सब चीज़ ही बेकार हो, मैं समझता हूँ। चाहूँगा कि केंद्र सरकार सबसे पहले तो ये एयरपोर्ट्स बंद करे, क्योंकि जो बाहर के लोग जितने आएंगे तो आप यहाँ तो सावधानी की बात कर रहे हो और बाहर के लोग यहाँ आते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो जैसे पहले हुआ था, जैसे सेकेंड जब वेरियंट आया था कोरोना का, जब इतना नुकसान हुआ था हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बाहर के लोगों को ये हिंदुस्तान में आने से जब तक रोकेंगे नहीं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कितनी भी सावधानी बरतते उसका कोई मतलब नहीं।
आपका परिचय विवेक जी कटरा साहब है। आज हमारे मुर्शिदनगर में वार्ड नंबर 24 के मुर्शिदनगर में पेट्रोल पंप के पीछे आप पधारे हैं और आपके पिताजी स्वर्गीय खेमरा जी कटरा साहब थे जो इस अपने राजस्थान में राजस्थान सरकार के मंत्री भी रहे हुए हैं और चांदवी साहब कपूर भाई आप सब तो अच्छे परिचित हैं कटरा साहब से। फिर आपके मदर सज्जन जी कटरा जो 2008 से 13 के बीच में एमएलए रहे हुए हैं उन्होंने भी काफ़ी अपने क्षेत्र में विकास के कार्य भी किए हैं स्कूल से शिक्षा में चिकित्सा में हर तरीके से और अभी हॉस्पिटल का भी सर नहीं करवाया अपने हीरामगर में जो सेटेलाइट है ना बड़ा वो स्वर्गीय खेमरा जी कटरा के नाम से जो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था वो आपके फादर की देन है जिससे अपन काफी क्षेत्र में सब लोग लाभ ले रहे हैं आज के समय में कम से कम दो ये ओम जी आगे तो कोई कमी होगी बराबर हमारा साथ निभा रहे जो काम हम बोलते हैं 2 या 4 दिन में तकनीकी खराबी से 8 या 10 दिन में वो काम पूरा हो जाता है। हमें तो इस मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो अभी सोल्व कर ही रहे हैं भाई साहब रोड भी बन रहे हैं और नालियों का भी बहुत स्पीड में काम चल रहा है। बस ये छोटी मोटी कोई समस्या है तो हम इनको बताते थे उसका निवारण ये भाई साहब ओम जी भाई साहब करवा देते और इनके लेवल का नहीं होता तो भाई साहब को बोलते भाई साहब आगे चल के और जाके और इस काम को पूर्ण पूरा करते और ये टावर का भी जल्दी से समाधान हो जाएगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग बीमारियों से बच जाएंगे जल्दी जल्दी समाधान हो जाएगा इसका। भैया जी हमारे साथ कपूर भाई बहुत पुराना है जी जी हमारे युवा साथी इजाज भाई हमारे पार्षद ओम प्रकाश जी जनसेवक और सभी हमारे युवा साथी और हमारी माता बहन सब ये है सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जन संपर्क के लिए और जन सुनवाई के लिए मेरे को बुलाया। आपकी समस्या हमने सुनी है और मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि निश्चित तौर से जल्दी शीघ्र आपको राहत प्रदान करने के हम पूरा प्रयास करेंगे ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जिस डिपार्टमेंट का ये समस्या है उस डिपार्टमेंट में बात करके हम लोग आपकी समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। अभी आपने छोटी मोटी समस्या भी बताई है सफाई की हैंडपम्प की नाली की सड़कों की ये भी हमारे क्षेत्रीय पार्षद बहुत एक्टिव है ओम प्रकाश जी। मैं इनको कहूँगा कि वैसे ये हमेशा तत्पर तैयार रहते ही है लेकिन मैं इनको कहूँगा कि ये और एक्टिवली होकर जल्दी से जल्दी ये काम कराने का प्रयास करें क्योंकि ये सब लोग हमारे लोग हैं हमारे परिवार के लोग हैं और इनका समर्थन से आप अच्छे वोटों से जीते हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका मौका है अच्छा काम करने का आपसे जो बन पड़ेगा वो आप करना जो आपसे नहीं हो पा रहा वो मुझे आप संज्ञान में लाना तो हम काम करने का प्रयास करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ बाकी ओम जी ने आपको बताया बहुत सारी योजना हमारी चल रही है सरकार की चिरंजीवी योजना जिसके बारे में आप जानते हैं 10 लाख का फायदा मिल रहा है पेंशन की योजनाएं चल रही है शहरी रोजगार गारंटी स्कीम चालू कर दी है आपके स्वास्थ्य की सुविधा फ्री जांच फ्री दवाइयां सब चीज़ चल ही रही है तो आप जितना लाभ उठा सकते हो आप लाभ उठाओ बाकी एरिया में सब शांति है ही आप जानते हो बहुत बढ़िया। इसके अलावा विकास के काम UIT से हम करा रहे हैं नगर निगम से ये करा रहे हैं और भी कोई काम हो तो आप मुझे बता आप बता कराना जनता क्लिनिक आपके लिए खोल दिया जो आपके लिए सुविधा होगी हमारे क्षेत्र में एक ही जनता क्लिनिक खुला है और मैंने सविना में खुला है।